सब्सक्राइब करें हैश खान यूनिक रेसिपीज़ को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ साबूदाना की खीर। खीर बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी बनी है और बेहद लजीज है खाने में, और बहुत ही आसानी से बन जाती है। बिल्कुल 10 से 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही खिली खिली साबूदाना की खीर बनकर तैयार है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप साबूदाना लिया है, इसको हमने 3 बार अच्छी तरीके से पानी से धो लिया है और इसको हमने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। और इस तरीके से देखिए, चेक कर लें दबाकर। और यहाँ पर हमने 2 चम्मच पानी में केसर भिगो कर रखा है लगभग 1 घंटे के लिए, इसको भी हमने भिगो दिया था। और यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लिया है और इसको हम लगातार चलाते हुए अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। ये देखिए, दूध में उबाल आने लग गया है और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। और यहाँ पर हम भीगा हुआ साबूदाना दूध में डाल देंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। और खीर बनाने के लिए कभी भी मोटे तले वाला बर्तन ले, तो हमने यहाँ पर मोटे तले वाली कढ़ाई ली है और इसमें हम खीर बना रहे हैं। और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि नीचे दूध न लगे तले में। और ये जो हमने केसर भिगोया था वो पानी हम इसमें डाल देंगे दूध में। देखिए, साबूदाना सारा ऊपर आ गया है। जितने देर साबूदाना भीगेगा उतनी अच्छी खीर बनेगी। तो यहाँ पर हम आधा कप शक्कर डाल देते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें शक्कर को। और शक्कर के गलने तक इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। और ये देखिए, साबूदाना ऊपर आ गया है। 10 मिनट के लिए इसे हम इसी तरह लगातार चलाते हुए अच्छी तरीके से पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए साबूदाना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने लगा है। इस तरीके से जब पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक इसे हम पका लेंगे। ये देखिए, साबूदाना के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है और खीर भी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। इसे हम लगातार चलाते ही रहेंगे। और यहाँ पर अब हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, मेवे डालेंगे, जो भी आपको पसंद हो आप मिक्स ड्राई फ्रूट डाल दें इसमें। और इसे हम लगातार चलाते रहें और खीर को थोड़ी सी और गाढ़ी होने तक 5 मिनट और पका लेंगे। ये देखिए, खीर बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और साबूदाने की खीर बनकर तैयार है। और गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। बिल्कुल 15 से 20 मिनट लगे हैं खीर बनने में, बहुत ही जल्दी खीर बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनकर तैयार है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा होने पर ही सर्व करें। तो हमारी साबूदाने की परफेक्ट खीर बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि साबूदाने की रेसिपी आपको कैसी लगी, साबूदाने की खीर की रेसिपी आपको कैसी लगी।